हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं अभी 9। मैं नहा धो के हो चुका हूँ, एकदम रेडी। तो अभी जा रहा हूँ मैं आप एक क्रिएटर से मिलाने के लिए जा रहा हूँ। भी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले वायरल हुए थे, वो रामपुर के हैं, आप उन्हें जानते होंगे, नदीम पासा, जो कि बहुत ही अच्छी कॉमेडी और बहुत ही अच्छा हमें हंसाते हैं। तो मैं उनके पास जा रहा हूँ पास, और मैं आपसे मिलाता हूँ और आपकी बातचीत कराता हूँ, और मैं भी उनसे करता हूँ बातचीत। फाइनली गाइस, मैं अभी पहुँच चुका हूँ रामपुर। रामपुर में मैं आ गया हूँ, और अभी मुझे काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ से, अभी 20 किलोमीटर दूर अभी और है। ये जो है कुछ रोड है इस तरीके का, रोड बहुत ज़बरदस्त है यार, मतलब एकदम नीट रोड है, बहुत अच्छा है। और ये देखो, ये रामपुर का देखो मौसम, देखो मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है। इस टाइम की जो मौसम है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ देखो पेड़ ही पेड़, पूरी ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है। मैं जो जा रहा हूँ नदीम पासा से मिलने, उनसे हमने बात कर ली है, वो कम से कम अभी 15-20 मिनट में हमें मिलने वाले हैं, और मैं दिखाता हूँ आपसे, उनसे बात कराता हूँ, और मैं मिलता हूँ डायरेक्ट पहुँचने के बाद। गाइस, अभी पहुंच चुके हैं हम उनकी कॉलोनी हम पहुंच चुके हैं। ये देखो, ये कुछ कॉलोनी है, चल रहे हैं उनके पास चलेंगे, हम उनके पास चल के बातचीत करते हैं हम उनसे, और दिखाता हूं मैं। तो अभी हम कॉलोनी कुछ इस तरीके की है, देखो भाई नहीं है घर पे, तो अभी वो कहीं बाहर गए हुए, तो हमारे उनके भाई मिल गए हैं, छोटे भाई, तो अभी ये लेके जा रहे हैं हमें उनके पास। तो चलते हैं डायरेक्ट, मिलते हैं उनके पास पहुँचने के। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं नदीम भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ उनके घर के पास में। घर पे मुझे बुलाया है उन्होंने, और मैं उनके पास आ चुका हूँ। तो ये हमारे नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह यार, दुआ आप लोगों की। और सब ठीक है? सब बढ़िया। तो मैं नदीम भाई से जैसे कि मैं मिल चुका हूँ, और नदीम भाई है मेरे साथ। मेरा आज नदीम भाई से सपना था मिलने का, एक बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था मैं इनको, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं इनके साथ खड़ा हूँ, और इनके साथ मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मेरा चैनल है आदिल ब्लॉग, उसके लिए भी आप कुछ बोल दें प्लीज़। अरे सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह, मेहनत करो, देखो सपोर्ट मिलेगी जी तुम्हें। जब तुम किसी चीज़ पर काम प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हो, तुम ये ब्लॉग बनाने के लिए, चलो ब्लॉग बना रहे हो तुम, इंशाल्लाह बहुत सपोर्ट मिलेगी। और मैं चाहता हूँ जितने मेरे चाहने वाले हैं ये ब्लॉग पूरा देखें, और भाई को सपोर्ट करें, चैनल भाई का सब्सक्राइब करें। अच्छा, आपने कभी शुरू किया कुछ, मुझे बताएंगे आपने कभी रील बनाना शुरू किया, या कैसे कि माइंड में आपके आया ये बनाने के लिए? ऐसा हुआ था, देखो मैं पहले काम करता था, ठीक है, सबको पता है जी जी। तो ऐसा हुआ, मैं आया बेंगलोर से जी, और बेंगलोर से आने के बाद मैंने सोचा यार, कुछ बंदे गांव में वीडियो बनाते थे। अच्छा 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 जी। तो मेरा भी, मैंने सोचा यार मुझ में भी टैलेंट है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, लाओ जी जी। मैं, मुझे अपना शौक नहीं था बनाने का जी, मैंने उनसे बोला मुझे ले लो अपनी वीडियो में जी। तो वो बोले यार हम इस टाइम वायरल हो रहे हैं, ये हमें, हमारे चिपकना चाह रहा है जी, बिल्कुल समझ, ठीक है, वो सोच रहा है हमें घुस रहा है, और ये अपना फेम चाह रहा है, मतलब के लिए, हाँ फेमस, मतलब यूज यहाँ सही। तो यार एक वीडियो में लिया उन्होंने, दो वीडियो में लिया, फिर मुझे धोखा देके जाने लगे वीडियो बनाने। अच्छा, मैं समझ गया, फिर मैंने अपना अलग चैनल बनाया जी जी। तो मैंने ये सोच के बनाया 10-15 वीडियो बनाऊंगा जी, अगर कोई वायरल होती है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 10 वीडियो में से 2-1 वीडियो वायरल हो गई थी सही, ये है रमजान से पहले की बात, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो रमजानों से पहले की बात है, फिर वीडियो चल गई, फिर मुझे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट करा, मेरे पास फ़ोन नहीं था, आईफोन जी जी, क्योंकि आई क्वालिटी से वीडियो चलती है जी, बिल्कुल। तो मेरा दोस्त बोला वीडियो बनाना मत छोड़ो तुम जी, मैं तेरी रोज़ सुबह आ जाना, तू तेरी रोज़ वीडियो मैं बना के दूंगा अपने फ़ोन से जी जी। तो हाँ, मेरी वीडियो चलने लगी, कम से कम उस बंदे ने 100 वीडियो बनवाई थी, फिर तो मैंने अपना ही ले लिया था, पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर इसी काम पे लगे। अच्छा, ये वीडियो जो बनाते हो वो बस यहाँ ही बनाते हो? शुरू में तो सब यहीं बनाई है, कम से कम 100-150 वीडियो यहीं की है मेरी। अच्छा, सब मतलब जो भी है रियल है, और आप भी देख रहे हो, और आप भी इनकी जाके वीडियो। अगर भाई मैंने, मुझे बहुत लोगों ने बोला नदीम बैकग्राउंड चेंज करो, गाँव में कहीं भी बना देते हो खड़ो, भाई कभी ये मत सोचो कि बैकग्राउंड चेंज करो, तो रियल कंटेंट होना चाहिए जी, करेक्ट। आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा तो वो जरूर फेमस होगा। अच्छा, कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए, और ओरिजिनल कंटेंट आप कचड़े में खड़े होकर बना दोगे तो वो वायरल हो जाएगा जी जी, मतलब जो रियल है वो रियल है, रियलिटी भी खड़े होकर। मैं भाई देखो खेती बाड़ी करने वाला इंसान हूँ, ठीक है, बिल्कुल, जमीन वाले लोग यार, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम जी जी। तो हमने खेतों में भी बनाई जी, और यहाँ सब में यहाँ भी बनाई अपनी। अच्छा, जो प्लॉटिंग पड़ी है सब में बनाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने जगह चेंज नहीं करी। अच्छा, बिल्कुल सही कहा, जगह चेंज करने से कुछ नहीं होता, ये सब कहने वाली बात है। आप बाद में जगह चेंज करना चाह रहे हो, जब आपको तरक्की मिल जाती है तो वो अलग बात है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो कहीं भी जाकर बना सकते हो, बिल्कुल। तो यार मैं नदीम भाई से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, मैंने सोचा भी नहीं था मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात करेंगे, वो इतने अच्छे से मिलेंगे, और हमसे इतने अच्छे से बात करी, और आपको भी बताया अपनी जर्नी के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए, और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया यार, दिल से शुक्रिया। हम मिलने के लिए आए थे इतनी दूर से, तो मेरी मेहनत सफल हो गई है। तो
जाने लगा हूँ नदीम भाई से मिल लिया हूँ, और अभी मैं जाने लगा हूँ तो नदीम भाई से करते हैं दुआ। सलाम, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम। तो अभी चल रहे हैं, हमें इजाजत दें प्लीज। बहुत आराम से इंशाल्लाह नमाज मास पढ़ो इंशाल्लाह, और फिर कभी आना इंशाल्लाह, अच्छी तुम्हारी खातिरदारी होगी, टेंशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार अभी भी बहुत अच्छी करी, मैं तो सोचा भी ना था इतना। ओके अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत अच्छे से मिल लिए यार, और चलते हैं अभी घर, और मैं मिलता हूँ डायरेक्ट आपसे घर पहुँचने के बाद। फाइनली गाइस मैं अभी आ चुका हूँ घर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक घर आ चुका हूँ, और नदीम भाई से मैं मिल लूँ। मैं जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में उन्होंने बताया कैसे उठ के कहाँ पहुँचे वो, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फॉलोवर्स हैं उनके। और इस वीडियो को मैं करना चाहूँगा यहाँ पे एंड, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे बताएं आपका फेवरेट कौन सा यूट्यूबर और कौन सा ब्लॉगर है, मैं उसके पास जाके वीडियो बनाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।